हमारे बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के तरफ से हमारे श्रमिक के परिजनों को, उनके आश्रितों को 2 लाख रुपया का बिहार सरकार के तरफ से मुआवजा दिया जाएगा बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना के तहत। तो वहाँ उस फैक्ट्री में ये दबने के वजह से, मक्का का वो बोरा दबने के वजह से मृत्यु हो गया। कर्नाटक में एक निजी प्रसंस्करण इकाई में काम करने के दौरान मकई के लगभग 100 टन के बोरे के नीचे दबने से बिहार के 7 मजदूरों की मौत हो गई है और इसके बाद अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो पटना एयरपोर्ट पहुंचा है। और ऐसे में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम, बिहार सरकार के श्रम विभाग के तमाम अधिकारी जो हैं, उन्होंने पार्थिव शरीर को पटना एयरपोर्ट पर श्रद्धासुमन अर्पित किया है और अब उन पार्थिव शरीरों को जो है उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा। इसमें जो लगभग 7 मजदूर हैं, जिनमें 5 मजदूरों का जो पार्थिव शरीर है वो अभी फिलहाल पटना एयरपोर्ट पहुंचा है और 2 अन्य मजदूरों का पार्थिव शरीर देर शाम जो है वो पटना एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। और ऐसे में कई मजदूर जो हैं वो बेगूसराय के रहने वाले हैं, तो कोई खगड़िया का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर कल शोक संवेदनाएँ व्यक्त की थी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष योजना से जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं इसको लेकर बिहार सरकार के जो श्रम संसाधन मंत्री है सुरेंद्र राम, वो क्या कुछ कह रहे हैं ये हम आपको सुनाते हैं। सर, व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की गई है? सबसे पहले तो जो भी हमारे श्रम वीर जिनको वहाँ उस फैक्ट्री में ये दबने के वजह से, मक्का का वो बोरा दबने के वजह से मृत्यु हो गया, उनके परिवारजनों को मैं शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, उनको शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। और ये सभी हमारे श्रमिक जो है देश निर्माण के लिए कार्य कर रहे थे और इनको हम अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अनुदान अभी जो सरकार की तरफ से दी जाती है प्रवासी मजदूरों को? हमारे बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के तरफ से हमारे श्रमिक के परिजनों को, उनके आश्रितों को 2 लाख रुपया का बिहार सरकार के तरफ से मुआवजा दिया जाएगा बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना के तहत। जो कंपनी में घटना हुई थी उसको लेकर के भी कुछ किया जाएगा? उन लोगों से भी, उनके आश्रितों को, जो कंपनी में घटना घटी थी उसको लेकर के भी कुछ किया जाएगा? उसको लेकर के वहाँ की सरकार जो है तत्पर है और हमारे विभाग भी इस चीज़ को देखेगा कि वो सारे चीज़ वहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ, इस चीज़ को हम लोग भी देखेंगे और वहाँ की सरकार जो है तत्पर है, ये सारे चीज़ को वहाँ वो लोग भी देख रहे हैं। और हमारे तरफ से ये जो है बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना के तहत जो भी उनके आश्रित हैं उनको जो है 2 लाख रुपया की सहायता राशि। साफ तौर पर बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा है कि जो मजदूर हैं, जो मृतक मजदूर हैं, उनके परिजनों को हम लोग अपनी ओर से हर संभव मदद करेंगे और 2 लाख रुपए का जो आपदा, मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष है, उसके जरिए जो 2-2 लाख रुपए का मुआवजा है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ जो हर संभव मदद है वो सरकार की ओर से की जाएगी। कहीं ना कहीं अब एक बड़ा सवाल जो है वो अब रोज़गार पर भी उठने लगा है कि आखिर क्यों बिहार के मजदूरों को बाहर काम करने के लिए जाना होता है, क्योंकि पहले भी जो उत्तराखंड में जो कई मजदूर फंसे, हालांकि उनकी जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जब बिहार के मजदूर बाहर जाकर काम करते हैं तो उनकी जान माल को खतरा होता है। और ऐसे में बिहार सरकार पर ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार में इतने रोज़गार मिल रहे हैं तो फिर मजदूरों को बाहर जाकर अपने जान की बाजी क्यों लगानी पड़ती है। विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़, पटना।